हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की बाइक का रिव्यू लेकर आया हूं, जो कि अभी आज कल में लॉन्च हुई है। तो उस बाइक का नाम आपके साथ शेयर कर देता हूं। उसका नाम है जी सुजुकी GSX125, जो कि सुजुकी की मार्केट में अभी कल ही लॉन्च हुआ है। तो मैं आपको उसका कम्प्लीट रिव्यू दूँगा। तो उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहले मैं आपको उस बाइक की चारों साइड की लुक दिखा देता हूं कि वो दिखने में आके लगती कैसी है। बहुत ही ज़्यादा कमाल की बाइक है, अगर आप देखेंगे तो आपको भी उम्मीद है कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए उस बाइक की चारों साइड की लुक। तो रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी इस खूबसूरत सी बाइक के फ्रंट के बारे में, कि फ्रंट पर हमें किस किस चीज़ के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट पर हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी LED लाइट देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर की फिनिशिंग तो आप देख रहे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और उसके ऊपर ही हमें कवर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर सेंटर में हमें सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। तो उसके साथ साथ इसके इंडिकेटर की बात करते हैं। इंडिकेटर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा नरम रबड़ के बनाए गए हैं इंडिकेटर, बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। और इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस की बात कर लेते हैं, बाइक की 167 mm है इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस। तो फ्रंट टायर की इसकी बात कर लेते हैं, फ्रंट टायर इसका ट्यूबलेस है 2.75x18 का, और ये बाइक फुली तौर पर सेल्फ स्टार्ट है और इसके साथ किक का भी ऑप्शन आ जाता है। अब बात कर लेते हैं जी इस बाइक की राइट साइड के बारे में, कि राइट साइड से ये बाइक कैसे को देखने को मिल जाती है। तो राइट साइड पर सबसे पहले बात करते हैं जी इसके टैंक के बारे में। टैंक इसका 14.2 लीटर का हमें टैंक देखने को मिल जाता है, जिससे ये बाइक फुल हो जाती है। तो इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं, माइलेज इसकी 60 किलोमीटर पर लीटर की इसके अंदर माइलेज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन इसका 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, 1 सिलेंडर इसके अंदर मौजूद है। तो इंजन के साथ आप देख सकते हैं कि हमें फुट रेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो बैक ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैक ब्रेक इसके अंदर ड्रम रखी गई है, जबकि फ्रंट ब्रेक इसके अंदर डिस्क रखी गई है। तो इसके टायर के अंदर आप देख सकते हैं कि टायर के अंदर हमें रिम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से देखने को मिल जाते हैं। तो इसके शाख की बात करते हैं, शाख इसके काफ़ी ज़्यादा नरम है। तो वेट की बात कर लेते हैं इस बाइक की, इसका वेट 126 kg इसका वेट है। तो इंजन इसका आपको तो पता ही होगा कि 125 cc इस बाइक का इंजन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का इंजन है। और इसकी सीट देख लेते हैं, तो सीट इसकी बहुत ही ज़्यादा नरम है। अब बात कर लेते हैं जी इस बाइक की लेफ़्ट साइड के बारे में, कि लेफ़्ट साइड से बाइक देखने को कैसे की मिल जाती है। तो लेफ़्ट साइड पर हमें इसके गियर सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं, तो इसके 5 गियर इसके हमें देखने को मिल जाते हैं इस बाइक के अंदर। तो इसके साथ साथ हमें फुट रेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और एक स्टैंड हमें देखने को मिल जाता है। और इसके टापे की बात करते हैं, तो टापा इसका कुछ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हट के इस बार इन्होंने बनाया है, ब्लैक एंड ग्रे की फिनिशिंग है। तो ग्रे के साथ ही इन्होंने चैन कवर पीछे ले गए हैं, जो कि बहुत ही कमाल का है। तो इसके हम शाख की बात कर लेते हैं, शाख भी इसके काफ़ी ज़्यादा नरम है, क्योंकि 125 cc है। तो इस हिसाब से ही इसके शाख बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नरम है। बैक टायर के बाद बात करते हैं, 90x19x18 का ट्यूबलेस इसके अंदर हमें टायर देखने को मिल जाता है। जो बैक ब्रेक है इसकी, बैक ब्रेक इसकी ड्रम रखी गई है। फ्रंट ब्रेक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट ब्रेक डिस्क है, तो बैक ब्रेक इसकी ड्रम रखी गई है। और टायर के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिम देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जी इस बाइक की बैक साइड के बारे में, कि बैक साइड से ये बाइक कैसे के देखने को मिल जाती है। तो बैक साइड भी इसकी वैसे ही खूबसूरत है जैसा कि इसका फ्रंट है। बैक साइड पर हमें इसकी लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि रात को इंडिकेटर का काम करती है। तो इंडिकेटर इसके देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर इसके बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, और ये प्लास्टिक के मरगार्ड के अंदर आते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का बाइक का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है, कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक में कलर्स कौन कौन से आ जाते हैं, और इस बाइक की प्राइस क्या होने जा रही है पाकिस्तान की मार्केट में। तो आप
चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।